है, लॉज ऑफ मोशन का हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको बोलेंगे क्या? मोमेंटम। हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैंने मेरी दृष्टि को थप्पड़ लगाया वेस्ट में, तन्मय को लगाया ईस्ट ईस्ट में, हवा में उछा दिया नॉर्थ में, किसको? सक्षम को। ठीक है, तो हम लोग फोर्स तो बता ही रहे हैं, साथ साथ में क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन भी बता रहे हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कैसे बनी? वेलोसिटी के सॉरी मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की जगह क्या रख देंगे? एम। वेलोसिटी की जगह क्या रख देंगे? वी। तो ये क्या हो जाएगा? एम वी। ठीक है, करो कॉपी इसको इतना। चलो ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। लिखा दी यूनिट यहाँ पे केजी किसकी यूनिट होती है? मास की। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यूनिट। हम लोग अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो बेटा, समझा रही हूँ। अब बीच में फालतू बकवास मत करना, लिखने का टाइम ऑलरेडी बहुत दे चुकी हूँ। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है रेट ऑफ। रेट ऑफ मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम या फिर डिनोमिनेटर में टाइम, ठीक है ना? दूसरी बात करें तो दूसरी बात बोलता है चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम अच्छा इनिशियल मोमेंटम। बेटा याद करो, जब तुम शादी में बच्चे पे जाते हो तो तुम कैसे बोलते हो? तो कितना चेंज हो गया है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है। तो जो पहले था वो क्या? इनिशियल, ठीक है ना? जो बाद में था वो क्या हो गया? फाइनल। आ रही बात समझ में? तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? हमेशा हम लोग क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज होती है डायरेक्टली प्रपोर्शनल। डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन कैसा होता है बेटा? ऐसा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा होता है? ऐसा। इसका मतलब अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा बढ़ेगा, और अगर एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा। इस बात का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। यानी कि हम लोग ये जो सारी कहानी पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बेटा आ रहे हैं हम लोग इसके डेरिवेशन पे। अब हम लोग आ रहे हैं इसके डेरिवेशन पे। हम लोग बोलेंगे देखो भैया, फोर्स तो क्या होता है? फोर्स जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब रेट मतलब क्या? डिनोमिनेटर में टाइम। तो इस रेट को हटा के हम लोग क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? टाइम। और न्यूमरेटर में क्या रहने देंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम को क्या बताया था मैंने अभी? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या बताया था? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल बहुत बढ़िया बेटा, इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या? टाइम। अब बेटा सिंपल सा लॉजिक है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। अब बेटा रुको, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं, चेंज सर क्या होगी?
वेलोसिटी मास तो बदल वेलोसिटी जाएगा, सब क्या चेंज होगी? हम लोगों ने बोला फाइनल वाला मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, एम माइनस भी होगा, एम इंटू यू। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। अब चाहो तो एम बाहर कॉमन ले लो, एम वी माइनस यू अपॉन में टी, तो ये हो जाएगा एम ए। बोलो बेटा, बोलो बोलो। अच्छा दी वी माइनस यू अपॉन टी को अपन ने ए लिख दिया था। हाँ, वी माइनस यू अपॉन में टी को अपन ने ए लिख दिया। क्या आया, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, मन से समझना। क्यों, यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी, इससे एक चीज निकल कर आती है दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे क्या बाहर निकल के आती है, दैट फोर्स इज, बहुत बढ़िया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब जैसे ही हम लोग बोलते हैं दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी को लप्पड़ ऐसे लगाऊंगी, ले था ले, तो उसको लप्पड़ लगेगा, धड़ करके लगाऊंगी तो बहुत जोर लगेगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग ऐसे ले जा रहे थे तब टाइम क्या लग रहा था, ज्यादा, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, कम। जब धड़ करके ले गए तो टाइम क्या था, कम, तो फोर्स क्या लगा, ज्यादा। ठीक है ना। सिमिलरली जैसे जो, ये तो एक बात हुई हमारी कहानी की, है ना, करते हैं दूसरी बात। लेकिन टी के बाद कौन सा साइन लगाया आपने? ये बेटा एरो बनाया है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम। व्हेन आई से एम वी माइनस एम यू, उसका मतलब होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम अब जब मोमेंटम चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जब मोमेंटम चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही चेंज होगी, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होने से रहा। यानी कि फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, जब हमारे तान्या 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाई थी और उसको 100 तक ले गई, कि जब करिश्मा 20 की चलाई थी और उसको 50 पे ले गई, फोर्स किस केस में ज्यादा लगेगा। तान्या जो 80 पे लेकर आई जो 90 पे गया, कि करिश्मा जो 20 पे था और 50 पे ले आई। करिश्मा क्यों, करिश्मा क्योंकि क्योंकि चेंज कहाँ ज्यादा आ रहा है, इसने तो 80 से 90 करी, ठीक है, इसने क्या करा, 10 का चेंज लाया, कौन सी, तान्या। लेकिन जो करिश्मा है वो कितने का चेंज लेकर आई, वो 20 से लेकर 50 लेकर गई, तो फाइनल वेलोसिटी देखा जाए तो करिश्मा की अभी भी 90 से बहुत कम है, लेकिन जो चेंज आया है वो क्या है, ज्यादा। यानी कि जाहिर सी बात है इसने फोर्स क्या लगाया होगा, ज्यादा लगाया होगा। ओके, पहले इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर वन, Why are seat belts provided in cars? Question number one. Question number two. Why is it dangerous to jump out of a moving bus? Question number three. Why does a karate player breaks a pile of tiles
वेरी फास्ट। व्हाई डज कराटे, व्हाई डज अ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल? व्हाई आर कुशंस प्रोवाइडेड टू लॉन्ग एंड हाई जंपर्स ठीक है? व्हाई आर लॉन्ग जंपर्स दीदी आस्क्ड, क्वेश्चन का बेटा और करके कुछ भी आ सकता है, और आस्क्ड टू जंप अपॉन सैंड। कार्स में क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कार में एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बिकॉज द कार इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। द कार इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है? सो बिकॉज द कार इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, बिकॉज द कार इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, जब एक्सीडेंट होगा तो अचानक से कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी कि कार ऐसे चलती नहीं आएगी और ऑल ऑफ अ सडन उसकी जीरो कितनी स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो। तो क्योंकि एकदम ऑल ऑफ अ सडन उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो ऐसे में जो बंदा कार चला रहा है उस पे फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। लेकिन तुम सोचो, कर सोचो कि अगर चेंज इन मोमेंटम कितने का हुआ? 50 का, और टाइम 1 सेकेंड हुआ, तो 50/1 का फोर्स लगेगा, दैट इज 50 न्यूटन। लेकिन टाइम को मैंने सिर्फ 1 सेकेंड और से बढ़ा दिया, यानी कि टाइम 2 सेकेंड्स कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 25। सीधे आधा हो गया था फोर्स। यानी कि अगर मैं सीट बेल्ट लगाकर अपने आगे गिरने की स्पीड को 1 सेकेंड से भी आगे गिरने के टाइम को क्या कर रही हूँ? 1 सेकेंड से भी बढ़ा ले रही हूँ, टाइम बढ़ा ले रही हूँ, इंक्रीज कर ले रही हूँ, तो क्या मेरा फोर्स बिल्कुल आधा हो जा रहा है? हाँ। मानो अगर मैं धम करके आगे गिरने की बजाय 4 सेकेंड बाद गिरती, तो मेरे पास 50 की जगह 12.5 न्यूटन का फोर्स लगता। यानी कि हर बार जब मैं 1 सेकेंड से भी टाइम बढ़ा रही हूँ, तो फोर्स बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा है? कम। तो इसलिए कार में सीट बेल्ट होते हैं, क्योंकि जब कार बहुत एक बहुत कार एक्सीडेंट्स होंगे का कोई बात नहीं। कार का एक्सीडेंट कब होगा? जब कार बहुत बहुत हाई स्पीड से चलेगी। जब कार बहुत हाई स्पीड से जब एक्सीडेंट होगा, तो कार का स्पीड एकदम जीरो हो जाएगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा, 70 से क्या होती होगी सीधी वेलोसिटी? जीरो। 80 से लेते हैं, 80 से वेलोसिटी कितनी होगी सीधे? जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 80। अरे एक्सीडेंट कम स्पीड पे थोड़ी होते हैं, भी होते हैं लेकिन नहीं मतलब बहुत कम।